सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर मैं अपने रीजन की बात करूं तो सबसे पहला रीजन मेरा यही था, मतलब अगर कुछ लोगों को पता होगा, वैसे सब लोगों को जनरली पता नहीं होता कि सिविल में लाइक हाँ गेट का एग्जाम देना होता है, चलो ठीक है बीटेक के बाद लोग गेट का एग्जाम देते हैं, ईएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, आईएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं। मुझे पता था मुझसे कुछ नहीं निकलने वाला, ठीक है आईएएस मतलब इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सर्विसेज, ठीक है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इतना बड़ा बड़ा नाम है, पहले तो समझ में भी नहीं आता था, ठीक है मतलब अच्छा लगा हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं। आधे से ज्यादा को सच में नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में। तो मैं मतलब एक दिन बैठ के सोचा कि एटलीस्ट पता तो होना चाहिए किस चीज के लिए भाग रहे हैं। मे बी आज यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, नहीं पता होगा क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं क्यों, क्योंकि बाकी लोग भी सब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे ही प्रोडक्ट वैसे मैंने सब लोग सोचते हैं कि करने के क्या क्या रीजन है, मैंने ये सोचा कि करने का क्या रीजन नहीं हो सकता, सिंगल रीजन नहीं मिला मुझे। प्रोडक्ट आप सब लोग यूज करते होंगे, बहुत सारे ब्रांड के यूज करते होंगे, आज लोग आजकल लोग ना इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते ना बहुत सारी शॉपिंग ऐसी कर लेते हैं, जनरली प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता बट क्यों दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए मंगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट मिलता है, लाइक अगर मैं अभी अपनी बात करूं तो मैं मोर देन 20 प्रोडक्ट मेरी फैमिली और मैं यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं ही नहीं पड़ोस में भी मैंने लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाया, मतलब गली में जितने भी लोग हैं ना आई थिंक एक घर छोड़ के एक घर में प्रोडक्ट रेंस का यूज हो ही रहा होगा। तो दैट वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और अगर मैं ड्रीम्स की बात करूं तो अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, सब लोग किस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा कि अच्छा क्या चल रहा है, मतलब कैसे कैसे सोचा कुछ, क्या करना है बेटे के बाद, कुछ नहीं यार अभी सोच रहा हूँ देखते हैं क्या होगा। अच्छा कितना क्या लगता है कितने की जॉब लग जाएगी, 3-4 लाख का तो पैकेज मिल ही जाएगा, ये लोगों की सोच होती है। एंड यू नो वॉट आई एम प्लानिंग माई कार इन जून एंड जुलाई, जॉब मिलना आसान है नहीं, बिजनेस करना नहीं, हो सकता है वो भी मुश्किल हो, पता है लिविंग योर ओन लाइफ ऑन योर ओन मनी मे बी इज हार्ड, ठीक है लिविंग योर लाइफ ऑन योर पेरेंट्स मनी इज हार्ड, सिंगल इज हार्ड, रिलेशनशिप इज हार्ड, ठीक है बीइंग डिपेंडेंट इज हार्ड, बीइंग इंडिपेंडेंट इज हार्ड, व्हेन एवरीथिंग इज हार्ड, सो मतलब जब सब कुछ इतना हार्ड है तो हम क्यों ना अपना जो हार्ड है वो वाइजली चूज करें, राइट। सो एट लास्ट चूज योर हार्ड वाइजली एंड ऑल द बेस्ट यू, थैंक यू सो मच।